Assalamu alaikum, good morning class. Today we start our first lecture of computer. Chapter name is History of the Computer. In this chapter we learn about different inventions related with computer. Okay, so let's start from page number 1, History of the Computer. The computer was first made for fast calculation. Computer जो first बनाया गया था उसका purpose basically था fast calculation perform करना. Before computer, many scientists invented different devices for calculation. बहुत से scientists ने different inventions की हैं, different devices invent की calculations के लिए. Let's see how much such devices lead to the development of the computer. Let's see, देखते हैं कि ये जो different devices invent हुई थी, develop हुई थी, इसने computer को develop करने के अंदर क्या role अदा किया. Let's start from first, abacus. Abacus is the earliest known device used for calculation. Abacus सबसे पहली डिवाइस थी जो जानी जाती थी, इस्तेमाल हुई कैलकुलेशन के लिए. इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर अगो. ये कब इन्वेंट हुई थी? 5000 साल पहले. एन अबकस हैज़ अ रो ऑफ वायर्स हेल्ड इन अ वुडन फ्रेम. ईच वायर हैज़ कलर बीड्स स्ट्रंग इन टू इट. A crossbar or divider separate the beads on wires. Abacus basically थी क्या देखने में? अगर आप देखिए abacus को, नीचे जो picture बनी हुई है, look at here, कि एक wooden frame है, उसके अंदर wires हैं, और wires के अंदर देखिए आप ये different beads हैं. तो ये basically abacus था. जो यूज किस लिए होता था? कैलकुलेशन के लिए, काउंटिंग के लिए. अर्ली क्लासेस में, मॉन्टेसरी में, ये अपरेटस इसी नाम से आता है, अबकस के नाम से. वुडन फ्रेम में होता है, उस ये वुडन फ्रेम इसी तरह का होता है, सेम टू सेम, इसी तरह वायर्स इसके अंदर होती हैं, और इसी तरह इसमें डिफरेंट किस्म के कलर बीड्स होते हैं जो कैलकुलेशंस के लिए, काउंटिंग के लिए यूज होते हैं. Calculations are done by sliding the beads along the wires and in expert hand. Calculation कैसे perform करते हैं? आप beads को, सारे beads को पहले one-sided कर लेते हैं, फिर उसके बाद one by one उसको move करते रहते हैं और count करते रहते हैं. Abacus is as quick as a modern calculator. एबाकस में कैलकुलेशन ऐसी ही थी जैसे आजकल मॉडर्न कैलकुलेटर्स में होती है. पीपल बिगिन यूजिंग एबाकस एंड ब्रॉट चेंजेस इन इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड कन्वीनियंस. लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया और इसमें चेंज करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और एंड कन्वीनियंस, कन्वीनियंस मीन अपनी आसानी के मुताबिक. एज अ रिजल्ट एबाकस डेवलप्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स. द फॉर्म्स दैट बिकम वेरी पॉपुलर आर शोन हेयर. इसका रिजल्ट क्या निकला? जब लोगों ने उसको अपने मुताबिक, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक चेंज करना शुरू किया, तो उसका रिजल्ट ये निकला, एबाकस को डेवलप किया गया डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट देखने में, डिफरेंट तरीकों से. और जो डिफरेंट फॉर्म्स थी उसकी, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई, वो ये आपको नीचे पिक्चर्स में शो कर रहा है. अगर आप लुक एट दिस पिक्चर तो देखिए, एबाकस, रशियन एबाकस देखने में डिफरेंट स्टाइल का है, चाइनीज एबाकस डिफरेंट स्टाइल का है, जैपनीज एबाकस डिफरेंट स्टाइल का है. साइजेस और स्टाइल्स डिफरेंट हैं, मगर कॉन्सेप्ट्स जो हैं काउंटिंग के, वो सेम है. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, नेपियर बोन्स. इन द 17th सेंचुरी जॉन्स नेपियर इन्वेंटेड अ सेट ऑफ 11 रॉड्स ईच हैविंग 4 फेसेस.
These were used as a multiplication tool. The rods were curved from bones and so they were called Napier bones. Abacus के बाद जो second development थी इस पूरे cycle के अंदर, जो at the end computer बना, जो product हम use करते हैं, उस cycle में पहली invention जहाँ से concept लेने शुरू किया abacus था. Now move on the next, Napier bones था. Napier bones 17th century में, Napier bones एक शख्स था जिसने invent किया था. क्या invent किया, क्या बनाया, ऐसा सेट बनाया 11 रॉड्स का जिसके फेसेस फोर थे, जो फोर डिफरेंट फेसेस फेस होते थे उसके अंदर, डिफरेंट स्टाइल थे फोर. दीज वर यूज, और वो किस लिए इस्तेमाल होता था, मल्टीप्लिकेशन टूल के तौर पे इस्तेमाल होता था. इसी वजह से इसका नाम Napier bones रखा गया. क्यों? क्योंकि इसका इन्वेंटर जो था, जिसका जो बनाने वाला था, वो कौन था, जॉन Napier. और कौन से सदी में उसने बनाया था, 17 सेंचुरी के अंदर. Now move on the next. Pascal, Pascaline. In 1642, Blaise Pascal, a French mathematician, invented mechanical calculation machine. फिर थर्ड जो आपका स्टेज आई, जिसका नाम था पास्कलाइन, इसे 1642 के अंदर ब्लेस पास्कल एक शख्स था, उसने फ्रेंच मैथमेटिशियन था, इसने इन्वेंट की एक ऐसी मशीन जो कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी किसके थ्रू, मशीन के थ्रू. इट हैज अ सीरीज ऑफ नंबर ऑफ व्हील्स और गेट्स. इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स ऑफ व्हील्स और गेट थे, जैसे आपको लुक एट द पिक्चर हेयर. नंबर्स वर एंटर बाय रोटेटिंग दिस व्हील. और नंबर कैसे हम एंटर करते थे, इस व्हील को रोटेट करते हुए, ये इस व्हील को रोटेट करते थे. तो लुक एट द पिक्चर केयरफुली, हेयर नंबर्स आर शोइंग के यहाँ नंबर स्क्रीन में ऊपर नंबर चेंज होना शुरू होते जाते थे. और ये होते कैसे थे चेंज, हाउ यू चेंज इट, आई जस्ट लाइक एक व्हील था जिसे आप रोटेट करते थे, घुमाते थे. This machine was called the Pascal's arithmetic machine. और ये machine किस नाम से famous हुई, किस नाम से इसको associate किया गया, Pascal arithmetic machine और Pascaline. It's help to add and subtract number. और ये machine किस, क्या करने लगी, फिर help करने लगी किस चीज़ के अंदर, addition के अंदर और subtraction के अंदर. Now move on the next, difference engine and analytical engine. In 1821, Charles Babbage developed a machine called the difference engine. In 1821 में एक शख्स था जिसका नाम चार्ल्स बेबेक था, और उसने डेवलप की मशीन जिसे कहते हैं डिफरेंस इंजन, टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेट करने के लिए. ही देन डिजाइन अ प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कैलकुलेटर उसने बनाया उसके बाद 1834 में, एंड कॉल इट द एनालिटिकल इंजन. और फिर वो क्या कहलाया, एनालिटिकल इंजन कहलाया. एनालिटिकल इंजन वॉज टू वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल. एनालिटिकल इंजन उसी सेम प्रिंसिपल, उसी सेम असूलों पे काम करता था ऑन विच मॉडर्न कंप्यूटर वर्क, जिस पे आजकल का मॉडर्न कंप्यूटर वर्क करता है, जिस कॉन्सेप्ट. चार्ल्स बेबेक इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर. ये याद रखिएगा, ये एक बहुत फेमस MCQs आता है हर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के, ट्रू फादर ऑफ कंप्यूटर था कौन. जो ट्रू फादर ऑफ कंप्यूटर था वो कौन था, चार्ल्स बेबेक. इन्वेंशंस बहुत सी आई, बहुत से लोगों ने काम किया, मगर जो ट्रू फादर ऑफ कंप्यूटिंग कहते हैं, वो कहते हैं कि किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेक को. फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी, इसका जो काम था, वो डेवलपमेंट में, किसके डेवलपमेंट में यूज हुआ, कंप्यूटर की डेवलपमेंट में. सी, दिस इज एनालिटिकल इंजन एंड ही इज अ पर्सन हु वी से फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेक. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. Mark 1.
here we discuss, in this page we discuss about the different computers, different computer model. Mark 1, this is a computer name. In 1942, Howard Aiken, an American professor, turned the dream of Babbage into reality. He made a large computer called Mark 1. ये वो कंप्यूटर था जो 1942 के अंदर हावर्ड हेकिन ने बनाया था, जो अमेरिकन प्रोफेसर थे, और उसने जो ड्रीम था, जो उसकी ख्वाहिश थी बेबेक की एक रियल कंप्यूटर बनाने में, वो किसने पूरी की, किस कंप्यूटर ने पूरी की, वो की लार्ज कंप्यूटर कॉल्ड मार्क वन ने पूरी की। ये कंप्यूटर जब बना और जिस किसने बनाया था, हावर्ड हेकिन ने बनाया था 1942 के अंदर। इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड, ये कंप्यूटर दुनिया का पहला कंप्यूटर था। इट कुड परफॉर्म 3 एडिशन ऑपरेशन एंड 1 सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इन 1 सेकेंड। ये वो कंप्यूटर था जो 3 एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था, 1 सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था, वो भी 1 सेकेंड के अंदर। इट लुक 3 to 5 सेकेंड टू परफॉर्म अ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। फिर क्या हुआ, 3 to 5 सेकेंड लेता था क्या परफॉर्म करने में, मल्टीप्लीकेशन। अगर हम प्रीवियस पेजेस जो हमने रीड किए उस पर अगर हम जाएं तो देखिए आप, एक स्टेज ऐसी थी एबाकस बना था, तो एबाकस में सिर्फ काउंटिंग होती थी। फिर नेक्स्ट स्टेज ऐसी आई जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, अगर आप लुक एट द प्रीवियस पेजेस, उसमें क्या होता था, अगर आप देखिए जो नेपियर बोन्स ने बनाया था, उस रॉड्स बनाई थी, उसके अंदर क्या होती थी, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन हो रही होती थी। फिर हमने पढ़ा उसके बाद क्या हुआ, पास्ट क्लाइन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज जब आई इसके अंदर, जिसमें ये सारे काम होने लगे इस कंप्यूटर के अंदर, मार्क वन के अंदर कौन से सारे वर्क, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। दिस कंप्यूटर मार्क वन कंप्यूटर दुनिया का वो पहला कंप्यूटर है, याद रखिएगा, मार्क वन कंप्यूटर, जिसके अंदर आप तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, प्लस भी कर रहे थे, माइनस भी कर रहे थे और मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे थे। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, ENIAC। In 1944, Dr. Johns Mutley and John Persiper designed a computer called, जिसे इन दोनों लोगों ने डिज़ाइन किया 1944 के अंदर, जिसे क्या कहते थे हम, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC could do 5000 addition and 500 multiplication operation per minute. अब आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता gradually हर चीज़ में improvement आती जा रही है, कि पहले जो Mark 1 computer बना उसमें क्या होता था, हम जो addition और subtraction करते थे उसमें क्या होता था कि 3 additions करते थे, 1 subtraction करते थे and multiplication जो perform होती थी उसको 3 to 5 second लगते थे। फिर ENIAC में क्या हुआ कि ये जो इम्प्रूवमेंट थी एडिशन की, ये क्या हो गई, 5000 एडिशन परफॉर्म कर सकते थे और 500 मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, वो भी 1 मिनट के अंदर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, मिट्स अल्टेयर, ये कंप्यूटर थर्ड कंप्यूटर था, द वेरी फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है, जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर था, कौन सा, पर्सनल कंप्यूटर, वॉज प्रोड्यूस इन 1975 में बना, बट दिस कंप्यूटर वॉज विदाउट एनी कीबोर्ड एंड माउस। मगर ये कंप्यूटर, ना ही हम इसमें कीबोर्ड यूज कर सकते थे, ना ही हम इसमें कोई माउस यूज कर सकते थे। मैं आपको शो करता हूँ इसकी पिक्चर, वेट फॉर अ वाइल, सी दिस इज अ Altair, this is a model number, this is a computer, this is a Altair computer, this is the first computer in which ke na hi hum isme mouse use karte the aur na hi hum iske andar keyboard use karte the, ye personal computer tha। I always remember one thing, ke ye personal computer tha। The Apple, a computer manufacturing company, was the first
who offer an easy to use computer with keyboard and mouse in 1977. याद रखिएगा एप्पल एक कंप्यूटर है जो जिसकी कंपनी का नाम है मैकिंटॉच. ये बहुत फेमस कंप्यूटर कंपनी है. एप्पल एक कंप्यूटर कंपनी है जिसने ऑफर किया था मार्केट के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर जिसके साथ आप क्या यूज कर सकते थे, कीबोर्ड भी यूज कर सकते थे और माउस भी यूज कर सकते थे. अगर आप मार्क वन में और ENIAC में देखिए तो ना ही कीबोर्ड यूज होता हुआ आपको दिख रहा है और ना ही इसके अंदर माउस यूज होता था. फिर नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट IBM PC. PC मीन पर्सनल कंप्यूटर. IBM वो वाहि कंपनी है जिसने पर्सनल कंप्यूटर मतलब मार्केट के अंदर जो हमारे और आपके यूज का पहला कंप्यूटर मार्केट पे लॉन्च किया था वो कौन सी कंपनी थी? IBM. IBM जिसके स्टैंड है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, द लार्जेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. ये सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करने की. लॉन्च इट फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, पहला पर्सनल कंप्यूटर यूज किया इसने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट के अंदर 1981 के अंदर. आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट कंप्यूटर IBM कैप्चर द मार्केट इन जस्ट 18 मंथ एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंट इट्स कंप्यूटर बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड. IBM याद रखिएगा वो वाहिद कंपनी है जिसने 1981 में फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया था मार्केट के अंदर पर्सनल कंप्यूटर होम यूजर्स के लिए और इसने जस्ट 18 मंथ के ही अंदर मार्केट को कैप्चर कर लिया था और एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया था बाकी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए. ओके क्लास, हियर वी आवर चैप्टर इज फिनिश. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट द वर्क ऑफ द फर्दर एक्सरसाइज विद मेंशन ऑन पेज नंबर 4. थैंक यू.